शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये बीएससी सेकेंड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मोजले लो। इससे पहली क्लास में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जो अब हम पढ़ने वाले हैं मोजले लो। मोजले हैं रोज लो मोज लो, ना मिले तो खोज लो, वो वाला लो नहीं बेटा, ये है मोजले लो। ठीक है बेटा, मोजले नाम का एक साइंटिस्ट था, आपने सुना भी होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी होती थी। मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसने सबसे पहले बेटा परमाणु भार एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगाया था, आपको कुछ याद होगा। जैसे ही मोजले आए उसमें कुछ कमियां भी थी, कुछ नहीं बहुत ज्यादा कमियां थी। मोजले ने बताया कि कणों का जो बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो फंडामेंटल गुण होता है, मूल गुण होता है, वो परमाणु भार होता, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है। ये बात किसने बताई थी? मोजले ने, मोजले लो के अंदर ही बताई थी। और तभी मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने उन्हें परमाणु भार का क्रम हटा के किस क्रम में लगा दिया, उन्हें परमाणु क्रमांक के क्रम में लगा दिया, और बहुत सारी क्या होगी उससे कमियां दूर होगी थी, ये आपको पता है। तो सबसे बड़ी चीज मोजले लो की ये ही थी। मैं रफ कर देता हूं और अब आप जरा सा स्क्रीन पर देखना स्टार्ट कीजिए। मैं लिखने से बच रहा हूं क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है तो तुम्हें पता है मैं कैसे कराता हूं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन है। आप देखो साइड में स्क्रीन पर क्या है बेटा, मोजले लो, मोजले लो। अकॉर्डिंग टू दिस लो, इस लो के अनुसार द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, क्या किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट। सर इस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? अरे अभी हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो हमने उसमें 1/λ = r λ निकल गई थी, तो v बराबर न्यू लैम्डा से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इमिटिंग इट। देखो जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी होगी उसका स्क्वायर रूट एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होगा, एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब हम इक्वल टू का इसे हटाएंगे और इक्वल टू का सिंबल लाएंगे तो यहाँ पे हमारी दो दो चीजें लिखी, मैं तो ये लिखता था लेकिन आपकी इस बुक में कॉन्स्टेंट ए माना हुआ है, तो ए। ठीक, यहाँ बेटा एटॉमिक नंबर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन ट्रांजिशन, कोई भी ट्रांजिशन जिसमें आप क्या कर रहे हो, लाइमन सीरीज या कोई भी और सीरीज होती है, ठीक, जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज इमिटिंग एक्स रेज, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो यही था हमारा छोटा सा मोजले लो। क्या क्या था छोटा सा मोजले लो? फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो होता है, फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के क्या होता है, समानुपाती होता है, याद रखना इस चीज को। लेकिन सर अगर ये लॉन्ग में आ गया, थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स में आ गया, उसे कैसे लिखेंगे? बेटा ज्यादा मार्क्स में लिखने के लिए अभी आगे है, इसमें देखो द ग्राफ बिटवीन अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, ये न्यू बना हुआ है, एंड जेड इज अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर हम इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन लिखी हुई आती है एज शोन इन द फिगर 3.17। 3.17 फिगर भी साइड में है। तो इनके बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आती है, ठीक। दिस ग्राफ इज नोन एज मोजले डायग्राम, इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, मोजले डायग्राम कहते हैं। इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक वेट द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। कब? जब एटॉमिक वेट के और उसके बीच खींचते हैं। मतलब देखो छोटी सी चीज है, जब हमने फ्रीक्वेंसी ली और फ्रीक्वेंसी लेके हमने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ खींचा तो एक स्ट्रेट लाइन मिली। लेकिन जब हम एटॉमिक वेट लेते हैं, भार लेते हैं और फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, इस वजह से उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे देखो मोजले देयरफॉर कंक्लूडेड दैट, मोजले ने जब बताया, क्या बताया, दैट इट इज द एटॉमिक नंबर, यह है
परमाणु क्रमांक है एंड नॉट एटॉमिक वेट, परमाणु भार नहीं है, नॉट एटॉमिक वेट परमाणु भार नहीं है, विच इज मोर फंडामेंटल, जो कि ज्यादा क्या है, फंडामेंटल है, ज्यादा मौलिक है विद रिगार्ड टू इमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक ज्यादा जरूरी है। यहां पे मोज ले लो एक थोड़ा सा, जब एक दो नंबर और एक्स्ट्रा आ गया तो उसके लिए कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाए तो यहां पे एक चीज है एक्सप्लेनेशन ऑफ मोजले लो फ्रॉम बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी से जो हम मोजले लो की एक्सप्लेनेशन करते हैं वो क्या होती है, देखो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम, कि बोहर की थ्योरी के अनुसार हाइड्रोजन एटम के लिए जो दी थी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द स्टेट N2 टू N1 द एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। हमने यही बताया था कि हायर ऑर्बिट से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होती है बेटा, फोटोन की फॉर्म में। तो ये रहा देखो हमने क्या लिखा, एनर्जी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होती है चांद मेरे, एच न्यू, ए बराबर एच न्यू नहीं होता तो इसकी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। एंड द फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज गिवन बाय, हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी अगर आपको याद हो, आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अभी थोड़ी देर यहाँ पे ई जेड स्क्वायर और लिखा हुआ है, ये हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लिखा था, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जेड की वैल्यू वन होती है तो वहां पे हमने इसलिए जेड नहीं लिया था और चार्ज नहीं लिया था। आर क्या है आपका, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो वेयर आर इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। इक्वेशन टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ की फॉर्म में क्या आ गया, आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था यही फॉर्मूला, आपने ये लिखा था, आपने जेड नहीं लिखा था, अरे हमने वो फॉर्मूला लिखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, ये है जनरल फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए बेटा, वन एच टू नहीं होता तो ये जेड की वैल्यू परमाणु क्रमांक की वैल्यू वन होती है, तो जेड की जगह हमने डायरेक्ट वन रख लिया था इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। तो हमने ये कर लिया, हटाओ इसे रफ कर दूं, ये आप देख चुके होंगे साइड में स्क्रीन पे भी आपकी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। फिर इसके बाद फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फील्ड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज प्लस ई, यानी कि हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही घूमता रहता है बेचारा, ठीक। बट इन हैवियर एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, लेकिन जैसे ही हम हैवियर एटम लेते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में होंगे, देयरफॉर ए सर्टेन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द फील्ड क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियस एज वेल एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग न्यूक्लियन, देयरफॉर ए सर्टेन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, यानी कि एक निश्चित इलेक्ट्रॉन होता है जो उस कार्य को करता है जो अकेला इलेक्ट्रॉन कर रहा था, दस द न्यूक्लियर इज स्क्रीन बाय द प्रेजेंस ऑफ रिगेनिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को क्या, न्यूक्लियस के एक इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है या कुछ घूम रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी जगह पर ही मौजूद है तो वे उसे क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से स्क्रीन घेर कर रखते हैं, ठीक। दिस इफेक्ट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, कहीं से स्क्रीन इफेक्ट में एक या दो नंबर में वेरी शॉर्ट में आ गया तो यहां पे स्क्रीन इफेक्ट भी आ गया है। दिस इफेक्ट इज टेकन इनटू अकाउंट बाय रिप्लेसिंग जेड विद जेड माइनस बी, यो स्क्रीन इफेक्ट की वजह से ही हमने जेड की जगह क्या लिखा हुआ है, जेड माइनस बी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है जेड माइनस बी चांद मेरे, क्योंकि जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और हमने अभी क्या बताया, सारे इलेक्ट्रॉन हैवियर एटम में नहीं घूमते तो कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो जिस वजह से हम जेड माइनस बी लिखते हैं। वेयर बी इज स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पेक्ट्रल लाइन एंड रिलेटिव रिप्रेजेंटिंग ऑफ द न्यूक्लियस बाय रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो इक्वेशन टू कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन टू को क्या लिख सकते हैं, अबे यही तो लिखी थी इक्वेशन टू, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आर ई जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, जेड की जगह क्या आ जाएगा चांद मेरे, आर ई जेड माइनस बी का स्क्वायर वन अपॉन एन माइनस,
अरे क्या आएगा, जेड की जगह हैवियर एटम के लिए जेड माइनस बी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे सारे को एक कॉन्स्टेंट मान लिया, आर भी कॉन्स्टेंट, ई भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, तो इसे एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया, जो हमने क्या मानना हुआ है, ए स्क्वायर। सर ए स्क्वायर ही क्यों मानना, क्या हम a माइनस बी नहीं मान, a नहीं मान सकते, मान लो इससे फर्क नहीं पड़ना, पर हम अंडर रूट लेंगे, तो मैंने अंडर रूट के हिसाब से मानना है। ये रहा, यही आपका क्या है, दिस इज द मोजले लो। लो एक तरीके से मोजले लो का ये प्रूफ भी हो गया। मोजले लो समझ गई सर, ये तो छोटा सा ही था। हाँ बेटा, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज और लिखाऊंगा मैं आपको, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो थोड़ी सी गले में दिक्कत आ गई थी, तो इस वजह से ज़्यादा बोलना पड़ता है ना, ऑफलाइन क्लास भी ऑनलाइन क्लास भी, तो थोड़ी सी आपकी एक डेढ़ हफ्ते की क्लास स्टॉप हो गई थी। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ मोजले लो, आपको इम्पोर्टेंस तो पता ही है, दिमाग ही खर्च नहीं करना। क्या मेंडलेव की आवर्त सारणी बदलवा दी यार इसने, उसमें क्या मानते थे, परमाणु भार था मेन गुण, और परमाणु भार के बाद क्या आ गया चांद मेरे, परमाणु क्रमांक आ गया। देखो बिफोर मोजलेस वर्क मेंडलीव हैड अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी कि मेंडलीव लो से पहले, उससे सॉरी मोजले लो से पहले मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में एटम को किस ऑर्डर में लगाया था, एटॉमिक वेट में। दिस टेबल रिजल्ट इन मैनी एनोमलीज, इसमें बहुत सारी कमियाँ थी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल लिखना है ना लिखना वो आपकी मर्जी है, द प्रॉपर्टी ऑफ आर्गन कोबाल्ट एंड टेलेरियम वर नॉट इन एग्रीमेंट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट इन द ग्रुप, यानी कि आर्गन कोबाल्ट और टेलोरियम एक ही ग्रुप में रखे थे एटॉमिक वेट के उस पर, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। फिर अकॉर्डिंग टू मोजले लो इट इज द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक वेट, यानी कि मोजले लो के अनुसार यो एटॉमिक नंबर है ना कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम, जो एटम की केमिकल प्रॉपर्टी बताता है वो एटॉमिक नंबर है ना कि एटॉमिक वेट। देयरफॉर द एलिमेंट्स मस्ट बी अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट अकॉर्डिंग टू देयर वेट, इसलिए पीरियोडिक टेबल में जो भी एटम अरेंज होने चाहिए वे एटॉमिक नंबर के बेस पे होने चाहिए ना कि एटॉमिक वेट के बेस में। फ्रॉम दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडलीव इन पीरियोडिक टेबल द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट हैड टू बी चेंज, चार्ज नहीं है चेंज है, कि इसके आने पर क्या कुछ पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, और कमियां क्या हो गई, दूर हो गई। चलिए देखो ये आपका मोजले लो हो गया, मैं देखता हूँ डायरी में इसके बाद कौन सा टॉपिक था जो हमें कवर करने हैं। बेटा ये करने ही करने हैं, आज ही कराऊंगा, चाहे मुझे छोटी छोटी चार वीडियो लेके आनी पड़े। देखो हमने क्या कर लिया, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर लिया, आज ही की क्लास में हमने मोजले लो कर लिया, अब हम करेंगे लार्मर प्रिसीजन। अब हम लार्मर प्रिसीजन करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, सोमरफील्ड थ्योरी करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत। कब आएगी वीडियो, इसके अपलोड होने के एक घंटे बाद।